हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में ये देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं आज सुबह से लेकर अब तक, ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, क्या सुबह से लेकर अब तक इस पर्सन ने आपको याद करा भी या नहीं, किस तरह से और क्या इस इंसान ने आपको लेकर याद करा, इस चीज को व्यूअर्स में इस रीडिंग में कवर करूंगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है कि आप रीडिंग के दौरान मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी व्यूअर्स, इस चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा। एनी वन, एक टाइमलेस रीडिंग होगी तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे। फोकस बना लीजिएगा अपना अपने पार्टनर के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज, क्या स्टेट ऑफ माइंड बना व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। प्लीज स्प्रेड गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। ब्रेक एडिक्शन, ग्राउंड योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रीबर्थ, take positive actions and it's a no। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, इनके स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। प्लीज स्प्रेड गाइड, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। डीप नोइंग, नेवर एंडिंग स्टोरी, रीजनरेशन, को क्रिएट एंड बॉटम इज मैसेज इन अ बॉटल। तो सबसे पहले कुछ नंबर्स एंड कुछ मंथ्स डिस्कस करने जा रही हूँ व्यूअर्स, जो कि हैं आपके 5, 15, 6, 12, 3, 32, 5 अगेन, 16, 7, 43, 37, 10, 1, 46, 44, 15 and 6 again। मंथ की बात अगर करी जाए तो यहाँ पे हो गया मई, जून, दिसंबर, मार्च, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई अगेन एंड जून अगेन। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर व्यूअर्स यहाँ पर देखना होगा। मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि भाई इस इंसान को किसी चीज की तो बुरी लत पड़ गई, किसी चीज को लेकर तो ये पर्सन हद से ज्यादा एडिक्टेड हो गए, जिस रीजन के चलते यहाँ पर आप दोनों का ये रिश्ता खत्म हुआ या जिस रीजन के चलते इस इंसान ने आपसे जुड़े हुए रिश्ते में ना बोल दी। ठीक है, और ये पर्सन डीप इनसाइड इस चीज को इस वक्त में समझ रहे हैं कि अगर ये अपने इस एडिक्शन को छोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं ना, तो डेफिनेटली इनकी जिंदगी में हर एक चीज नए सिरे से शुरू हो जाएगी। जो स्टोरी आप दोनों के दरमियान थी, जो अधूरी रह गई थी, वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। या फिर जो स्टोरी कहीं ना कहीं ये पर्सन आसमान में बैठकर लिखना चाह रहे थे, वो स्टोरी यहाँ पर जमीन पर बैठकर, जमीन पर रहकर फिर से एक नई सिरे से शुरू होगी। तो यहाँ पर क्या एडिक्शन है इस इंसान को? कोई भी एडिक्शन हो सकता है, आपको अपने हिसाब से लेना है। प्यार एक चीज है, लेकिन वो प्यार जब हद से ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाए ना, तो वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर चाहे वो चीज किसी भी चीज को लेकर हो, यानी कि या तो ये अल्कोहलिक है, या इन्हें अपने परिवार का इस लेवल पर एडिक्शन है, पैसा कमाने की इतनी धुन है, पैसे के पीछे इतना भागते हैं, मेटेरियलिस्टिक चीज को लेकर ज्यादा पागलपंती है, या फिर दोस्तों
यारों के पीछे इतने एडिक्ट हुए पड़े हैं कि ये अपने रिश्ते को खराब कर रहे हैं, उसको ना बोल रहे हैं। तो कोई तो ऐसा एडिक्शन है जिसे ये पर्सन डीप इनसाइड अपनी नई शुरू सुबह के साथ समझ रहे हैं कि जब तक ये इस एडिक्शन को नहीं तोड़ते तब तक पहले तो ये जमीन से नहीं जुड़ पाएंगे, तब तक ये जो स्टोरी आप दोनों के दरमियान थी जिसे इन्होंने खत्म करी कभी खत्म नहीं होगी। यही सभी चीजें इस इंसान को एक तरह से एक नया एक्सपीरियंस दे रहे हैं या अपनी जिंदगी को फिर से नए सिरे से शुरू करने की इच्छाएं इनके दिल में यहाँ पर हद से ज्यादा डेवलप हो रही है। और उसकी शुरुआत सबसे पहले इन्हें करनी पड़ेगी अपने आप को पॉजिटिव रखकर या फिर उन चीजों से उम्मीद जोड़कर जो फिर से शुरू करनी है। लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो दिमाग है या इनकी जो सोच है वो यहाँ पर उस एडिक्शंस के थ्रू काफी ज्यादा बांध दी गई है। ये इनका दिमाग एक बॉटल है और उस पर ढक्कन लगा दिया गया है, जिस रीजन के चलते ये पर्सन दिल से कुछ और सोच रहे हैं, दिल से कुछ और फील कर रहे हैं और दिमाग से उस सभी चीज का जवाब नामे आ रहा है, आप तक नाम ही पहुंच रहा है। इस चीज को अब इतनी अच्छी चीज मुझे दिखाई दी, इतनी पॉजिटिव चीज दिखाई थी कि ये पर्सन इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं कि अपने इस एडिक्शंस के चलते ये आपको ना बोल रहे हैं या अपने इस एडिक्शंस के चलते अपनी इस बुरी संगत बुरे आदत के चलते ये पर्सन अपनी जिंदगी में कुछ नया होने नहीं दे रहे हैं, बजाय कुछ नया होने देने के खुद से उसे ब्लॉक करते जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो भी चीजें हैं इसका कहीं अंत नहीं है, ये कहीं अंत नहीं होगा, कहीं नहीं रुकेगी। ये सभी चीजें इस इंसान को यहाँ पर अपनी नई सुबह के साथ समझ में आ रही है। मुझे चांसेस ये भी बनते हुए दिख रहे हैं आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में यहाँ पर कोर्ट कचहरी चल रही है। जो कोर्ट कचहरी जो शुरू हुई वो कहीं ना कहीं उसी एडिक्शंस के चलते यहाँ पर शुरू हुई और ये पर्सन उस चीज को अपनी नई सुबह के साथ समझ पा रहे हैं। इसका अंत कहीं नहीं है, ये कहीं जाकर नहीं रुकेगी, ये तब जाकर रुकेगी जब ये अल्टीमेटली कोई डिसीजन लेंगे और नए सिरे से चीजों को शुरू करेंगे या नए सिरे से चीजों को सोचेंगे। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं कि इन्होंने आपके खिलाफ जाकर कोई ऐसा एक्शन लिया जिसका कहीं अंत नहीं है। तो ये सभी चीजें इंसान को यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक काफी ज्यादा फील हो रहा है व्यूअर्स। ठीक है, और चीजें मैं आपको टैरो से देखकर बताती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए किस तरह के एडिक्शंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन यहाँ पर अब से ज्यादा सोच रहे हैं। स्प्रेड गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। फोर ऑफ कप्स एंड जस्टिस, थर्ड पार्टी, थर्ड एनर्जी का एडिक्शन जिसके चलते इस इंसान ने अपनी जिंदगी में अपनी तरफ बढ़ने वाले बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर जाने दिया, लॉस्ट कर दिया। मैं में रहने का एडिक्शन जिसके चलते इस इंसान ने जो इन्हें आपको न्याय देना था या जो इस रिश्ते में आपको देना था वो नहीं दिया। यानी कि मुझे ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं कि किन्हीं ऐसे लोगों में तो ये पर्सन है जो इन्हें ना आपको न्याय देने नहीं दे रहे हैं, जो इस इंसान को आपके इस रिश्ते में आपको बैलेंस देने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उन लोगों को लेकर ये पर्सन यहाँ पर अपनी नई सुबह के साथ जाग रहे हैं कि क्यों ये आपको न्याय नहीं दे रहे या क्यों ये ऐसा आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनको लेकर इतना एडिक्टेड हो गए, उन पर ये इतना भरोसा करने लगे थे जिसके चलते ये आपकी तरफ से आने वाले मौकों को पहचान नहीं पाए, आपकी चाहत को आपकी इच्छाओं को ये पर्सन जान नहीं पाए। तो ये सभी चीजें आपके पार्टनर के दिल में अपनी नई सुबह के साथ काफी ज्यादा चल रही है। व्यूअर्स देखो, इस इंसान ने ना अपने सारे डिसीजंस कहीं ना कहीं उन थर्ड पार्टीज पर तो छोड़ रखे थे, जैसे परिवार में तीन ही लोग हैं, चौथे ये खुद हैं, तो यहाँ पर इन्होंने उनके ऊपर छोड़ रखे थे कि ये इनकी जिंदगी को किसी भी तरह से ना बेरंग नहीं होने देंगे या खाली नहीं रहने देंगे। लेकिन यहाँ पर ना उन लोगों के एफर्ट्स डालने के बाद भी जब इस इंसान को अपने हिस्से कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा ना, तब यहाँ पर ये पर्सन उस चीज को रियलाइज कर रहे हैं, मतलब वो चीजें पाने का जो रास्ता है ना वो इस इंसान को आपको न्याय देने के बाद दिख रहा है। और वो न्याय इन्हें
वो थर्ड पार्टी देने नहीं दे रही है, वो थर्ड पार्टी जो भी यहाँ पर है वो इन्हें आपके साथ बैलेंस करने नहीं दे रही, आपके लिए स्टैंड लेने नहीं दे रही है। तो इसी रीजन के चलते यहाँ पर थोड़ा सा आपके पार्टनर व्यूअर्स आपको ना बोल रहे हैं या आपको ना बोलते हुए ये ज्यादा दिख रहे हैं। जैसे आप भी बोलते हो कि भाई वो तो क्या है, वो तो खत्म ही करना चाह रहे हैं, उन्होंने तो खत्म ही कर दिया। लेकिन हाँ, एक यहाँ पर इस इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन बहुत बड़ा यहाँ पर हो गया है, जो सेल्फ रियलाइजेशन इन्हें इस लेवल तक पहुंचा गया है कि ये अगर अब उनका साथ नहीं छोड़ते हैं, उनके प्रति अपने एडिक्शंस को अगर ये अब भी नहीं छोड़ते हैं ना, तो डेफिनेटली ये अपनी जिंदगी में ये जो भी चल रहा है उसे कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। बजाय ये उस चीज को खत्म करने के, ये अपनी जिंदगी को जरूर से यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ये सभी चीजें इस इंसान को अपनी नई सुबह के साथ काफी ज्यादा फील हो रही है व्यूअर्स, ठीक है। गाइड कीजिए, बताइए ग्राउंड योरसेल्फ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर और क्या फीलिंग्स बनी है। स्प्रिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। द मून एंड टेन ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे आपका पाइसेस एंड जेमिनाई लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुलाएं कुंभ राशि, वो आपका लिब्रा था और वाटर एलिमेंट कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि है। देखो यहाँ पर अपनी नई सुबह के साथ ये पर्सन होना हो अपने इंट्यूशंस को काफी ज्यादा सुन रहे हैं, या यूं कहो तो अपनी अंतरात्मा को ज्यादा सुन रहे हैं, और इनकी इंट्यूशन इन्हें ना यहाँ पर अब डर डर कर रहने नहीं देना चाह रही, या इन्हें रियलाइज करा रही है कि ये जो डर पाल रहे हैं ना वो अननेसेसरी डर है, ठीक है। उस डर को इन्हें लेट गो करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये पर्सन ना अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते, या जो चीजें हो रही हैं उसे रोकना नहीं चाहते हैं, वो सभी चीजें इन्हें रोकनी भी है, उन सभी चीजों को लेकर इन्हें अपने क्लियर माइंड भी रखना है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये अननेसेसरी डर ज्यादा पाले बैठे हैं कि ये यहाँ पर सब चीजों को खत्म करके भी कुछ खत्म नहीं कर पाएंगे। ये जो भी आप दोनों के दरमियान आज में चल रहा है ना, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, या ये उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। उस तरह से भी थोड़ा सा इस इंसान ने अपनी सोच को काफी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, या उस तरह से भी इस इंसान ने काफी वजन अपने कंधों पर यहाँ पर डाल रखा है। हालांकि यहाँ पर चाह यही रहे हैं कि भाई ये अपनी जिंदगी में ग्राउंडेड रहें, ठीक है, लेकिन सिचुएशंस कैसे एंड होगी, कैसे खत्म होगी, खत्म होकर नई शुरुआत कैसे होगी, उन सभी चीजों को लेकर ये पर्सन काफी ज्यादा कश्मकश में है। इन्हें ये पता है कि आप दोनों के दरमियान चीजें उस वे में आ गई हैं जहां भले आप इनका इंतजार कर रहे हो या भले ये आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब आप दोनों एक दूसरे को पीछे मुड़कर अगर एक दूसरे को देखते भी हो ना, तो पता नहीं आप दोनों एक दूसरे पर भरोसा कर भी पाओगे या नहीं। दोनों के मन में ये डाउट होगा कि इसका कोई मतलब होगा यहाँ पर रुकने का, पीछे मुड़ने का। तो ये सभी चीजें भी थोड़ा सा इस इंसान को यहाँ पर व्यूअर्स उदास कर रही हैं, और अपने इस एडिक्शंस को खत्म करने की चाहत रखने के बावजूद भी यहाँ पर इन्हें खत्म पूरी तरह से करने नहीं दे रही हैं। तो वो फीलिंग मुझे इस इंसान की इनकी नई सुबह के साथ व्यूअर्स यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी है, ठीक है। ये पर्सन सोचते ज्यादा हैं, एक्शंस लेने से ज्यादा सोचते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और इसी रीजन के चलते इन्होंने अपनी जिंदगी में अपने फैसले किसी और को सौंप दिए। इसी रीजन के चलते यहाँ पर इस इंसान ने इतना वक्त लगा दिया, और इसी रीजन के चलते ये इंसान काफी स्लो भी है। मुझे ये पॉसिबिलिटीज काफी अच्छी खासी दिख रही है। रीबर्थ और रीजनरेशन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक की और क्या फीलिंग्स बनी। स्प्रेड गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। डिवाइन, देखो मैंने आपसे बोला ना कि कैलकुलेशन बहुत करते हैं, सोचते ज्यादा है, वही एनर्जी है। 12 नंबर और 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पर। एक तरफ तो आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, आपकी तरफ बढ़ने की चाहत बढ़ रही है, बहुत तेजी से आपकी तरफ बस भाग कर आ जाए, और एक तरफ ये पर्सन अपना वो चार्ट लेकर, अपनी कॉपी पेन लेकर यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। स्पेशली उस वे में यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है कि आप अब इनको
लेकर लॉयल रहोगे या आप इनकी लॉयलिटी को कहीं यहाँ पर टेस्ट तो नहीं करोगे, या यहाँ पर आप इनको लेकर या आपको लेकर डेडिकेट जो होते हैं वो यहाँ पर अब होगा या नहीं होगा, उस तरह से होगा या नहीं होगा। अगर ये इस रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू करते हैं तो क्या आप एक नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू करने में तैयार होंगे या नहीं होंगे, उस चीज का अभी इन्हें इंतजार करना चाहिए या उस चीज के लिए इन्हें आपकी तरफ बढ़ जाना चाहिए, इन सभी चीजों को लेकर ये पर्सन यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि शायद अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं आया है या अभी सही टाइम नहीं आया है, इसी रीजन के चलते भी थोड़ा सा यहाँ पर ये पर्सन आपसे ये चीजें कहने की बजाय इन चीजों को कैलकुलेट ज्यादा कर रहे हैं। इसके पीछे का कारण मुझे थर्ड पार्टी का भी थोड़ा सा रोल इनकी जिंदगी में अभी क्योंकि खत्म नहीं हुआ है वो भी बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यानी कि कैसी फीलिंग है कि ये अपनी चाहतों को नए सिरे से शुरू करने के लिए उस थर्ड पार्टी को भी दुख नहीं दे सकते हैं, उसे भी दुखी नहीं देख सकते हैं। ये चीजें आपके पार्टनर को यहाँ पर काफी ज्यादा रोक रही हैं या कैलकुलेशन करने के लिए इन्हें बोल रही हैं। देखिएगा, मुझे ये दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इनके ऊपर किसी तरह से तो डिपेंड है और इन्हें पता है कि अगर ये आपकी तरफ एक नए सिरे से जिंदगी को शुरू करते हैं तो थर्ड पार्टी यहाँ पर फाइनेंशियली वे में तो डेफिनेटली फॉर श्योर यहाँ पर सफर करेगी। तो इसी रीजन के चलते भी थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है और यहाँ पर एक्शंस उस तरह से नहीं लिए जा रहे जिस तरह से यहाँ पर एक्शंस लेने की अब जरूरत है व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन की सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स को लेकर और क्या फीलिंग्स है, एक्शन को लेकर, को क्रिएट को लेकर। यहाँ पे आपका फाइव ऑफ पेंट्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। अभी भी कॉपी पेन लिए बैठे हैं। देखो यहाँ पर मैंने आपको राशियां पता नहीं बताई या नहीं, ये टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या एंड मकर राशि एंड वाटर एलिमेंट है, कैंसर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि। यहाँ पे एयर और फायर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट है। देखो बेसिकली इस इंसान के साथ ये हो रहा है कि ये एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन इनकी एक्शंस लेने की जो सोच है वो पेज की एनर्जी तक जाकर रुक जाती है। क्योंकि जब भी ये पर्सन एक्शंस लेने के बारे में सोचते हैं तो इन्हें चारों तरफा अपनी करे हुए की छवि नजर आने लगती है या इनके करने के बाद उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो चीजें नजर आने लगती हैं। यानी कि ये अगर आपकी तरफ एक्शंस लेते हैं तो उस चीज में आपका क्या रिस्पॉन्स होगा और इनके आसपास के लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा, ये सभी चीजें इन्हें एक आईने के तौर पर दिखने रखती हैं जिसके चलते इनका एक्शंस लेने की सोच इन्हें पेज की एनर्जी तक पहुंचा देती है और जिसके चलते ये पर्सन खुद को काफी ज्यादा डिप्रेस्ड, लोनली, डर में पहुंचा देते हैं। तो ऐसा नहीं है व्यूअर्स, देखो अब आपके पार्टनर आपकी तरफ की एक्शन नहीं लेना चाहते या एक पॉजिटिव वे में आपकी तरफ अपना रिस्पॉन्स नहीं लेकर आना चाहते, बल्कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जब जब यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, पॉजिटिव एक्शंस लेकर आने की सोच रहे हैं, तो ये पर्सन ना हर एक चीज को ऐसे रिलेट कर रहे हैं कि इनकी वजह से होगा, ये दोषी करार होंगे और स्पेशली उन लोगों के कटघरे में अपने आप को दोषी मान रहे हैं जिन लोगों की वजह से ही इस इंसान ने अपनी खुशियों को आग तक लगा दी है। ठीक है, आपसे इन्होंने मूव ऑन तक कर लिया है और इसी रीजन के चलते यहाँ पर ये पर्सन अपने आप को ये कन्विंस करने की तरफ ज्यादा धकेल रहे हैं कि ये आपसे दूर चले आए हैं, ब्रेकअप ऑलरेडी हो गया है और अब इन्हें इस सिचुएशन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहिए। मतलब हर सुबह के साथ दिल में इच्छा उठ रही है बात कर ले आपकी तरफ बढ़ने, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें इनके इर्द गिर्द ऐसी हैं जिसने इन्हें तब भी रोका और आज भी इन्हें रोक रही है। इन्हें अपने से ज्यादा अपनों की चिंता ज्यादा इन्हें हो रही है और इसी रीजन के चलते कि वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, इनके जाने के बाद उनका क्या होगा, ये चीजें इनके थ्रू ज्यादा यहाँ पर व्यूअर्स कैलकुलेट करी जा रही हैं। ठीक है,
देखो आपको लेकर आकर्षित हो रहे हैं, आपके साथ को लेकर ये पर्सन आकर्षित हो रहे हैं, आपके प्रति लिया हुआ आकर्षण अकेला कर रहे हैं, अकेले पर भी मैनिफेस्ट करवा रहा है, क्योंकि पॉजिटिविटी इसी में चाहते हैं, एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट इसी चीज को लेकर चाहते हैं। लेकिन आसपास की चीजों से, आसपास जो चीजें हो रही है ना, उससे ये पर्सन ज्यादा डरे और सहमे बैठे हैं, वो मैं एनर्जीज इनकी देख पाई हूँ। मैं देख रही हूँ इस एनर्जी के साथ कहने की क्या इच्छाएं आपसे उठ रही हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीजों के चलते व्यूअर्स से क्या कहना चाह रहे हैं, इनके मैसेजेस व्यूअर्स को लेकर क्या हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहे हैं डिवाइन। तो आई एम नॉट सो स्ट्रॉन्ग, आई रिग्रेट, तो ये चीजें ही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि रिग्रेट इन्हें फील हो रहा है, क्योंकि ये इतने स्ट्रांग है नहीं जितना ये बनकर दिखाते हैं या दिखाते आए हैं। इवन उसी रीजन के चलते आपसे ये तक कहना चाह रहे हैं कि भाई शायद ये चीजें हुई भी इसलिए हैं, हो भी इसीलिए रही हैं, क्योंकि आप इनसे कहीं बेहतर इंसान को डिजर्व करते हो। नेवर गिव माई प्लेस टू एनी वन एल्स, उसके अदर साइड कहना चाह रहे हैं कि प्लीज मेरी जो जगह तुम्हारे दिल में थी ना, तो मेरी जगह किसी को मत देना, वो मेरी है और मेरी ही रहे। आपसे उसके अलग साइड ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं, मतलब आपको जाने भी नहीं दे पा रहे हैं, जाते भी नहीं देख पा रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। Why did you leave me? और जिन लोगों के पार्टनर को यहाँ पर ये चीजें फील होने लगी हैं, आप चले गए, आप जा रहे हो, वो क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं कि क्यों मुझे छोड़कर गए या क्यों मुझे छोड़कर जाना चाह रहे हो। I miss you यार, प्लीज कम बैक, कहना चाह रहे हैं कि बहुत मिस कर रहे हैं आपको, प्लीज वापस से लौट कर आ जाओ। आई एम नॉट वेटिंग फॉर यू, उसके अलग साइड कह रहे हैं नहीं मैं नहीं वेट कर रहा, बताओ आप भी तो करो क्या। I will come, will you wait for me? बार बार यही चीजों की कश्मकश में ये पर्सन लगे पड़े हैं, उलझे पड़े हैं। एक तरफ कहते हैं मैं वेट नहीं कर रहा, एक तरफ कह देते हैं तुम वेट नहीं कर रहे हो, अजीब ही प्राणी है भाई। I love you, कहना चाह रहे हैं प्यार करते हैं आपसे। I am not angry with you, but I still love you, गुस्सा नहीं है, प्यार करते हैं आपसे बेहद ज्यादा। एंड आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई कांट नाउ, कहना चाह रहे हैं वापस आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं सकते हैं। तो ये भी इनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है। देख रही हूँ इन सभी चीजों के रिगार्ड आपको साई बाबा किस तरह से गाइड करना चाह रहे हैं। साई बाबा की तरफ से मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स निकाल रही हूँ व्यूअर्स, गाइड कीजिए बाबा और बताइए मेरे व्यूअर्स को, सिचुएशन को लेकर गाइड कीजिए और बताइए बाबा मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशन को लेकर, गाइड कीजिए और बताइए बाबा। आकर्षण का नियम, कर्म, ध्यान एंड धारणा। देखो आपसे बोला जा रहा है एक तो आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, आप अगर मैनिफेस्ट करना नहीं जानते हैं तो आप मेरा एक और चैनल है पाथवे विद पल्लवी, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। अभी मैंने हालांकि बहुत कम वीडियोस वहां पे अपलोड कर रखी हैं आकर्षण का नियम को लेकर, आप जाकर देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। और जो लोग जानते हैं, जो लोग टूल्स और टेक्निक यूज करते हैं, वो लोग डेफिनेटली फॉर श्योर कर सकते हैं। उसके अलग आपसे ये बोला जा रहा है कि देखो हमारी जिंदगी में ना जो चीजें हो रही हैं वो हमारे कर्मों की वजह से हो रही हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी जन्म के कर्मों को काउंट करा जाता है, तो जन्मों जन्मों से आपकी सोल ने जो अच्छे बुरे कर्म बनाए है ना उनको लेकर ये आपके साथ हो रहा है, उनकी वजह से ही आपके साथ हो रहा है। तो इनको अपनी सजा मत मानिएगा, ये मानिएगा कि ठीक है मेरे जो भी कर्म थे अच्छे बुरे वो इस लाइफ में मेरे जिंदगी से रिलीज हो रहे हैं और अब अपने अच्छे कर्मों को बनाना आप शुरू कर दीजिएगा। उसके लिए अगर हो सके तो ध्यान कीजिएगा, कोई भी एक मंत्र आप ले लीजिएगा, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वाहा या जस्ट ओम का चैंट, तो इस तरह से कोई भी आप मंत्र ले लीजिएगा, उसको जपना स्टार्ट कर दीजिएगा। 108 की माला का ध्यान करके
प्रार्थना जरूर से कीजिएगा और अपने विश्वास को ना तो आपको टूटने देना है और ना आपको अपना ध्यान मैक्सिमम यहाँ पर नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाना है। तो ये आपसे इस रीडिंग में साईं बाबा की तरफ से एज अ गाइडेंस दिया जा रहा है व्यूअर्स, ठीक है। सो काफी अच्छी रीडिंग रही, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो, अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल अभी तक लाइक क्लेम ग्रेटिट्यूड नहीं दे पाए तो अब दे दीजिएगा। और चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूं मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।